वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान में जो की टीम में जो चेंजेस हो रही हैं, या स्ट्राइक रेट के हवाले से बात कर रहे थे, बैटिंग एवरेज के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ कॉलर उमर शरीफ साहब को दोबारा कॉल करें। उमर शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। दोबारा अपना क्वेश्चन शेयर करें सर। उमर शरीफ साहब गो अहेड प्लीज़। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खुर्रम भाई आप लोग और इम्तियाज भाई आप लोग बात कर रहे थे मिसबाह उल हक के बारे में। मेरे हिसाब से मिसबाह उल हक का चैप्टर क्लोज करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैंने तो दो रब का शुक्राने की छुट्टी। यार इतना बुरा तो नहीं था यार मिसबाह उल हक की कप्तानी। असल में देखिए ना, अगर अगर आपको कप्तान को जस्ट ऑरेंजेस मिसबाह उल हक को अगर आप कप्तानी देख रहे हैं तो आप जो वर्ल्ड कप में कप्तान थे आप उनसे कंपेयर कीजिए। क्या मिसबाह उल हक और माइकल क्लार्क का कोई कंपैरिजन है? यार अब ये तो कोई बात ना हुई ना। अब मिसबाह उल हक को ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो दो ना, फिर भी देखते हैं। अब ये तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है। आप ऐसे ऐसे कैच छोड़ोगे एक ऐसे कप्तान को और फिर आप बोलोगे कि दिस नॉट अ फेयर मैच। मैं डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ, 92 की टीम में पाकिस्तान की टीम में क्या खास बात थी, लेकिन फर्क था लड़ा कप्तान का। लड़ाने वाला कप्तान था, उसने आपको जिता दिया। भाई कप्तान बनने के लिए लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती है। कप्तान बनने के लिए आपका काम आप अपने आप के पास जो बाकी लीडर्स ढूंढो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करो, ये काम होता है कप्तान का। उनको उनकी सलाहियतों के हिसाब से खिलाओ, ये कप्तान के ये विजन होना चाहिए। ठीक है मुंशी साहब, आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू कि बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्लीज कॉल बैक। आई एग्री विद हिम के आई मीन आई ये देखो, ही इज नॉट द बेस्ट कैप्टन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उतना बुरा नहीं है। अच्छा मुझे बताएंगे पूरे वर्ल्ड कप की जो टॉप की 8 टीमें थी उसमें सबसे वीक कैप्टन कौन था आपके ख्याल में? इंग्लैंड का, मतलब इंग्लैंड का जो कैप्टन, ही वाज हॉरिबल। उसके बाद नंबर 2 ये होगा नीचे से? एब्सोल्युटली नॉट। कौन था इससे तो इयान मॉर्गन समझ लिया, आई एग्री कि चलो नीचे बुरा कैप्टन, मतलब अगर एसोसिएट्स हटाते हो आई डोंट थिंक जिसन होल्डर वाज अ वेरी गुड कैप्टन। ठीक है फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिडंट थिंक, क्या कहते हैं धोनी कैप्टन वेरी वेल इवन दो दे वर। ओह कम ऑन यार, धोनी डिडंट कैप्टन रियली वेल डॉक्टर साहब। आई डोंट थिंक सो। मैं बता सकता हूं आपका ओपिनियन है वो स्टिक विद सब। वकार साहब कॉल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई बिलीव वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम असर कर दिए वकार साहब और अपना क्वेश्चन कमेंट शेयर करें हमारे से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आई जस्ट वांट टू मेक वन कमेंट, आई एम कॉलिंग प्लीज। आई विल कंकर विद अदर पीपल, एक्चुअली इट्स अ कैप्टन व्हिच मेक्स द ह्यूज डिफरेंस इन द टीम। आई अंडरस्टैंड द टीम वाज वेरी वीक ओवरऑल, बट देयर इज नो कंपैरिजन विद एनी अदर ग्रेट कैप्टन इन हिस्ट्री। हिमसेल्फ ही इज ग्लोरियस एज अ टीम मेंबर, ही कैन ऑलवेज प्ले in hard time, but as a captain he has completely failed, at least in ODI. ठीक है, probably good test, but in past few years not in ODI. Well sir, I agree with, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का, थैंक यू सो मच, गुड ऑब्जर्वेशन। देखो ये यू एग्री विद वकार साहब, देखो मैं फेयर असेसमेंट, मतलब आई थिंक ही इन माय माइंड इज असेसमेंट इज राइट ऑन द मनी। देखो फेयर असेसमेंट ये है कि ही कुड बी अ मच बेटर कैप्टन, ही इज नॉट द बेस्ट कैप्टन। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है ही इज द बेस्ट यू हैव। Yeah, I agree. ठीक है, इज द बेस्ट यू हैव। दूसरी बात ये कि मुझे जो चीज की लगती है ना, और मैं हमारे नॉर्मल काम में भी यही है कि ही इज अ सर्फलेस प्लेयर, कोई शोशा नहीं है। जो उसका एंटीथेसिस है ना, जो लोग बोलते हैं सर्फलेस प्लेयर है, अगर सर्फलेस प्लेयर होता तो वन डन क्यों नहीं आया टूर्नामेंट के अंदर। आई एग्री, अगर कोई एक जगह, टू मी ही इज अ सेल्फिश बैट्समैन बिकॉज उसकी टीम। यार देखो अब ये वही अली बात है जो वो शुएब अख्तर कहता गया, जो कि इंतहाई बदतमीजी इंतहा से, नहीं वो गलत तरीके से कह रहा है। मुझे शुएब अख्तर के कहने के अंदाज से प्रॉब्लम है, मगर वो जो बात कर रहा है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना, अब ये चीज़ डायरेक्ट उससे पूछनी चाहिए कि भाई आप जिस तरह इमरान खान 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर वन डाउन आया, ठीक है आप क्यों नहीं आए, व्हाई डिडंट यू टेक द प्रेशर ऑफ ऑफ द लेफ्टी जो नया आया, एंड दैट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव डन, जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में जैसे बुरी चीज आई है ना, जिसमें हमारा आपका कसूर है, हमने आफरीदी को हीरो बना दिया, हमने टेंडुलकर को बनाया हुआ, ही इज द वर्स्ट क्रिकेटर, जो बूम बूम कल्चर क्रिएट किया हुआ हमने सर पूरी जनरेशन में। लास्ट शो उमर अकमल इस वक्त ही हैज द सेम टैलेंट एज कोहली,
आई थिंक सुहेब मकसूद इज एज गुड एज इंजमाम, और कोहली के मुकाबले में धोबी बना हुआ है, धोबी बना हुआ है, और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आफरीदी चलता है, उसको शैम्पू के एड्स मिलते हैं, उसको दुनिया जहां की चीज पैसे मिलते हैं। मैंने पिछले शो में यही बात की कि जितना आफरीदी का कसूर है दीवाने पन का, उससे ज्यादा कसूर मेरा है, उससे ज्यादा कसूर आपका है, उससे ज्यादा कसूर सब देखने वालों का। और उसने हम ग्लोरीफाई करते हैं इस क्रेजी स्टाइल ऑफ बैटिंग को। अब वही अली बात है कि अगर उमर अकब, अब वही बात में खास में थोड़ा तालीम का भी चक्कर है, कोई चक्कर है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल होती कि भाई आई कैन बी अ यूसुफ योहाना, आई कैन बी अ मोहम्मद यूसुफ, आई कैन बी एन इंजमान, नॉट फ्लैशी लेकिन ब्रिलियंट, लेकिन अब इनको जल्दी पैसा चाहिए, इनको आईपीएल की लीग, सर इनको डॉन के जंग कराची के पहले से पिक्चर चाहिए कि छक्के मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, पेंसिल्वेनिया से कॉल कर रहे हैं, इसीलिए हमारी वनडे टीम हारती भी है। आई एग्री। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम असर कर दें सर, अपना कमेंट्स और क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ, गो अहेड प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पाकिस्तान बीइंग डिफीटेड, सो वन ऑफ द आई थिंक देयर आर मेनी रीजन, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। जी जी व्हाट आई थिंक दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल द Team was divided. Team was divided, okay. It looks like that there are two teams in one team. The other thing is this, you know, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा. ले ले ले. The way they were playing the cricket, it looks like that some of the players, it looks like that they were not serious. I agree with you. Hitting the ball. Especially in the semi-final, the way they were hitting the ball when they have like 20 or 30 overs left. बिल्कुल नहीं खालिद साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई मीन आई कुडंट एग्री विद यू मोर। मैं पिछले शो में ये बात कर रहा था, खालिद साहब को मैं नाम बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेलेंट पॉइंट सर। अब जैसे मिसबा है, और मुझे थोड़ा अफसोस आता है क्योंकि हम दोनों कभी कभार लीडरशिप पोजिशन में भी होते हैं, इंतहाई ज्यादा अफसोस की बात है कि वेस्ट इंडीज की गेम से पहले आपका फील्डिंग कोच रेजिग्नेशन दे रहा है कि ये चार लोग फील्डिंग नहीं करने आते, जो ऑस्ट्रेलियन कोच है उसको हलाल करके खाना चाहता है, उसने चार लोगों के उसमें शाहिद आफरीदी, अहमद शहजाद, इरफान मोहम्मद, इरफान और एक और जिनमें से तीन ने कैच छोड़े मैच के अंदर। कहने का मकसद ये, अब कप्तान का काम, अब शाहिद आफरीदी ऐसा सुपरस्टार है कि मिसबा जैसा बंदा, और मेरे नहीं ख्याल है कि मिसबा की जो एक इमरान खान की पर्सनैलिटी थी, एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, डर था इमरान खान का, लोग डरते थे कि इसने निकाल देगा टीम से। मिसबा की इतनी फोर्सफुल इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी नहीं है, ही इज़ अ सेफ गाय। और मेरे नहीं ख्याल शाहिद आफरीदी कभी सुनता है इसकी, और शाहिद आफरीदी के देखा देखी मेरे ख्याल काशिफ ने भी कभी एक दफा बोला है, ये अहमद शहजाद सब नखरे कॉलर ऊंचे करके दिमाग खराब होने सर। मुझे तो ये सबसे बड़ा दुख ये लगता है कि जब मैंने आई मीन आई कैन शो यू द गेम्स जिसके अंदर आफरीदी साहब खुद के कप्तान होते हैं, इनके दीवानेपन में बहुत कमी होती है, जब कोई और कप्तान होता है इनका दीवानापन जो है बिल्कुल आसमान पे पहुंचा, दिलेरी आ जाती है ना, नहीं वो दीवानापन है जिसको ये दिलेरी कहते हैं, इसको मैं कहता हूं सेल्फिश स्टाइल ऑफ बैटिंग। 17 ओवर पड़े हुए, आप लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है, आप आगे छक्के मारना शुरू कर देते। अगर मैं एंकर होता ना, अगर मुझे दिलेरी ज्यादा पसंद है, नहीं चमार तो नहीं लगाता लेकिन सुनाता जरूर, बेखुदी की बात, क्योंकि ना दिलेरी करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती क्रिकेट के अंदर, इट्स सो इजी टू गो थ्रो योर विकेट अवे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बैड लाइक एलियट, कि जाके आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जब बॉल स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, आप जीतने के लिए खेलते हैं, आप क्रिकेट सिर्फ मजे के लिए तो नहीं खेलते। दूसरी बात यह कि आफरीदी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ दिस क्रेडिट बिकॉज इज अ सीनियर प्लेयर, ठीक है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, और सबसे बात है सबसे ज्यादा ग्रेविटास टीम में उसकी मिसबा से भी ज्यादा है। सर वो नहीं चाहता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना दिल ही कहता है कि वो नहीं चाहता था कि मिसबा वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान जाए, और घटिया तरीन बॉलिंग कराई है उसने। इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ तीन बॉलरों से खेले थे, शाहिद आफरीदी वॉज जस्ट हॉरिबल, आई मीन यूजलेस बॉलिंग। अगर पाकिस्तान की टीम में विजन होती ना, शायद इसको बिठा के कदम में यासिर को चांस देते। मैं आई वुड प्ले शोएब मलिक इंस्टेड ऑफ हिम एनी डे, और यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, प्लीज अपना नाम बताइए और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कर दें प्लीज। जी थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। मैंने डॉक्टर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो मिसबा उल हक था वो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही थी। आई एग्री। और मेरा ख्याल है कि इमरान के साथ कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। जब इमरान खान नंबर वन डाउन आता था, उसको पता था उसके नीचे मियांदाद है, इंजमाम है, ऑल दोज
legends were there. But in this case, ke andar usko agar aap number one kar rahe hain, number two kar rahe hain, but there is nobody down there to support him. So, mera kehna hai ki wo comparison theek nahi hai. The doctor ne jo baat kahi hai, wo bilkul theek hai ki he was the best option for us at that time. और उसने उस लिहाज से जितनी टीम का कैलिबर था वो मैं उस लिहाज से उसने अच्छा परफॉर्म किया। सर आपके अजहर अली के कैप्टन बनने के बारे में क्या राय है और सरफराज के वाइस कैप्टन बनने के? उसमें मुझे प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि अच्छा प्लेयर हो जो भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती वकार यूनुस वाज ईदर रॉन्ग 4 weeks ago when he never selected अजहर अली और ही इज रॉन्ग नाउ दैट ही सिलेक्टेड अजहर अली एज अ कैप्टन। उसको कम से कम 7 तो ले जाते। The problem is you're putting too much pressure on him. I agree. मतलब जो है कि उसको respect नहीं मिलेगी because he hasn't performed it. Exactly. तो आप कहेगा कि मैंने Brian Lara तो मेरी तारीफ कर रहा है तो मुझे क्या बता रहे हो? No, well said. Thank you so much. मेरे ख्याल में इम्तियाज से थोड़ा सा सोचें कि सॉरी मैं अमान कह रहा हूँ जो हमारे दूसरे बहुत क्लोज दोस्त है, ये सोचें कि अजहर अली घर पे सोया हुआ है, उसको वर्ल्ड कप में लेके नहीं गए, उसको कॉल आती है पीसीबी से सर आप कैप्टन हो गए पाकिस्तान की टीम के वनडे के। But that's Pakistan Cricket Board for you, जो ad hoc है सर, ये दुनिया में कहीं और होगा ऐसा? Absolutely not. लेकिन मेरे ख्याल में, and this is just my speculation, देखो कैप्टन दो तरीके से चुने आता है आफ्टर अ मेजर इवेंट। आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, एक होता है एवोल्यूशन प्रोसेस, कभी आपने टीम बनाई है, टीम अच्छी खेली है, आपने दो प्लेयर दो कैप्टन पीछे तैयार किए आपने किए हैं, उसमें से एक बंदा ने कोहली की मिसाल हो गई, स्मिथ की मिसाल हो गई और बहुत मिसालें हैं। पाकिस्तान ने ये काम किया है कि भैया वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, चैप्टर क्लोज, ये टीम खत्म, 2019 की प्लानिंग है, ब्रांड न्यू कैप्टन आज से लेकर आओ। मेरे ख्याल से अजहर अली इज अ सेफ चॉइस, क्योंकि जो थिंक टैंक है ना उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आफरीदी इज नॉट द वे टू गो, मिसबा इज द फ्यूचर प्रोटोटाइप और सरफराज को अभी प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। सो काशिफ सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट वीक एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ही सेड कि यूनुस खान को कैप्टन बना के और सरफराज को उसके नीचे डाल दो 6-8 महीने के लिए। सो आई वाज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सब उसको तो जगह नहीं बन रही थी, बट यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड रादर हैव अजहर अली, क्योंकि अगर आपने यू नो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, अगर आप उसको लेके नहीं गए तो आई एम ओके विद हिम बीइंग द कैप्टन एंड सरफराज बीइंग द अंडर स्टडी बेसिक उसके लिए 6-8 महीने के लिए। और भाई मैसेज बताएं क्या है, मैसेज वनडे का नहीं है, मैसेज ये है कि सर्वर साहब प्लीज होल्ड कीजिएगा एक सेकंड, द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन इज गोना बी अजहर अली, क्योंकि मिसबा अभी भी टेस्ट कैप्टन है, एक आसाल और खेलेगा। सर पाकिस्तान का एक ही कैप्टन होना चाहिए तीनों फॉर्मेट का मेरे ख्याल से, हमें एक कैप्टन नहीं मिल रहा, कैप्टन कहां से लेके आएंगे? वनडे का कैप्टन अजहर अली के लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि दुनिया को बताएं कि द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन इज गोना बी अजहर अली, व्हिच मेक सेंस। और सरफराज को नहीं तैयार कर रहे, तैयार कर रहे हैं। सर साहब सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, प्लीज टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दें और अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ। कहां से कॉल कर रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम सलाम कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूं, सर्वर हसन फैजी। जी सर्वर साहब गो अहेड प्लीज। अब ये जो ना ये चैप्टर आप क्लोज कर दें और जो नई टीम बनाए ना, जो हां अजहर अली बहुत अच्छा है, न्यू प्लेयर है, उसको कैप्टन रखे, कैप्टन को पीछे से सीख के नहीं आता है, सही ना, साथ में रह के आता है, अफरीदी को बोले बाय बाय। हाँ अफरीदी को जी, और नए लड़के जो है ना ये अजहर अली उसके साथ जो खेलता था राइट आर्म इधर छोटे कद का नाम याद नहीं आ रहा, उसको रखे, एक दो को और रखे। असद शफीक की बात कर रहे हैं आप? एक और जी 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 असद शफीक, ओके एक और की बात कर रहा हूँ, ये प्लेयर पाकिस्तान में बहुत है, कोई मसला नहीं, इस तरह आपके सीनियर प्लेयर है ना वसीम अकरम और ये बड़े बड़े इनपुट है 10 लाख पीसीबी के पास, पीसीबी में बहुत है, सही ना, बोलर लेके आओ पाकिस्तान से 20 बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए 20 लेके आओ वकारी, उसको बोलो राइट आर्म बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर जितने आपके लेजेंड है उनको तो पैसे बोलो 20 लेके आओ, मुझे हर साल 3 चाहिए बॉलर। बहुत शुक्रिया सरवर साहब के कॉल करने का, सरवर साहब कह रहे हैं बेसिकली जाके आप ठेका दें वकार को, वसीम को बोलो, बॉलरों का कोई मसला नहीं, अनकरीब मेरा ख्याल है कि अगले, अच्छा मुझे बताइए पाकिस्तान का जो बेस्ट नेशनल बॉलर है उसको तो चांस ही नहीं मिला, बॉलिंग का कोई मसला नहीं है पाकिस्तान को, देखिए दो जो मसले हैं ना वो हमेशा जो सेटअप जो होता है ना कि जो मेंटल सेटअप जो होता है ना कि भाई आर यू गेटिंग हाई इनफ कंपटीशन, कि जब आप एक्चुअल कंपटीशन होता है ना कैन यू परफॉर्म योर स्किल्स, तो फर्स्ट क्लास लेवल पे क्या कंपटीशन इतना स्ट्रांग है जैसे रणजी ट्रॉफी है या काउंटी क्रिकेट है या बिग बैश है या ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर है कि जो लड़के नहीं उससे निकल के आते हैं? अगर लोग से पूछो जब ये लोग इंटरव्यू देने आते हैं, ये जो टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक वगैरह से जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो टेस्ट जो फर्स्ट क्लास है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते ही नहीं है क्योंकि वो इतना लो लेवल है
कि इनका टाइम ज़ाया वाली बात है और जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे। अब वल्ला जाना हम तो नहीं क्या अगर पाकिस्तान का अगले से 22 टीमें अगर इसको ख़त्म करके 10 टीमें कर दें आई थिंक क्रिकेट लेवल ऑफ क्रिकेट विल गो अप। नहीं मेरा जो इमरान खान का जो प्लान है ना क्या प्लान है उनका इमरान खान का जो प्लान है उसने बहुत पहले ये कह दिया जो यहाँ की जो NFL है ना इलाकई बुनियाद पर रजा साहब होल्ड कीजिएगा प्लीज़ इलाकई बुनियाद पर कि आप इलाके बांध देंगे कराची की दो टीमें हैं लाहौर की दो टीमें जिस तरह इन्होंने T20 कर दिया है तो ये ना करें कि हमारी बैंक की टीम है PIA की टीम है ऐसा ना करें ये ना करें और फिर फ्रेंचाइज दे दें कि PIA तुम कराची की टीम ले लो रेलवे तुम ये ले लो ग्रैंड स्पॉन्सर बन जाओ इस तरह IPL है ना IPL भी इलाके ही बुनियाद पर बैंगलोर होगी ये होगी होगी बिल्कुल उसके अंदर अमेरिकन मॉडल जो है एक अंदर से लोग अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं कराची से हूँ ठीक है पाकिस्तान से मोहब्बत है लेकिन एक कराचाइड होता है absolutely है मैं कराची के लिए जो जान मार के खेलूंगा ना कि वो और देखने भी आएंगे सर जैसे मैं ह्यूस्टन टेक्सस का फैन है डैलस के डैलस कॉबर्स को पसंद करते हैं हम टेक्सस को पसंद करते हैं हम रॉयल्स को पसंद करते हैं कंपटीशन हाई लेवल करेंगे तो क्रिकेट भी अच्छी होगी लोग देखने भी नहीं आएंगे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्लीज अपना नाम द्वारा बताइए और कहां से कॉल करें गो अहेड प्लीज अस्सलाम वालेकुम गो अहेड प्लीज जी बोलें मुझे अजहर अली के हवाले से थोड़ा सा कमेंट करना था कि अजहर अली शायद वो चंद उन प्लेयर में से था पाकिस्तान के जिसके ऊपर मीडिया का सबका कंसेंसस था कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने फवाद आलम के ना होने पे शोएब मलिक के ना होने पे कामरान अकमल के ना होने पे सब पे मैंने थोड़ा बहुत लोगों के कमेंट सुने ये वो वह प्लेयर था जिसपे किसी ने कमेंट नहीं किया आई एग्री विद यू किसी ने नहीं और इसको और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए अगर आप दोनों समझ लें कि आप में से नजम शेखी और एक शहरिया खान है आप किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे थोड़ी देर के लिए आप थोड़े जो मैं मानता हूँ कि इतने लोगों को आप बकाना फैसला लोग नहीं कर सकते लेकिन अज्यूम कर लें आप एक्सलेंट पॉइंट वेरी वेल सेड एक्सलेंट पॉइंट आई कुडंट अग्री मुझे आवाज नहीं यू आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग व्हाट ही इज सेइंग कि जब मीडिया के अंदर फवाद आलम के ना जाने के पर लोगों ने कोई बात की होगी शुएब मलिक को ना खाने पर कोई मसला खड़ा किया होगा या कामरान अकमल के हवाले से बात की किसी ने अजहर अली के हवाले से बात भी नहीं की ठीक है ना एक वो प्लेयर की जिसको 15 ऊपर कोई किसी ने हमने यहाँ पे 15 शो किए हमने कभी नहीं बोला वो बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने अजहर अली को लेकर नहीं गए हमने ये जरूर बोला कि जी कामरान अकमल को लेकर नहीं आई मीन फवाद आलम को लेकर नहीं गए यासर अरफात हमने बात कर ली इनका तो कहीं हमने 15 में जिक्र भी नहीं किया था और एकदम से उनको आपने रिजरेक्ट किया कि जी नेक्स्ट तो ये नहीं समझ रहे ना लोग ये वनडे की कहानी नहीं है तो ये वनडे के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ कैप्टन हुआ है लेकिन क्यों हुआ है कि इसकी रीजन ये यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन ठीक है अच्छा ये बताओ मिसबा एक साल के बाद जा रहा है हु इज योर नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन भाई आप जो वनडे के लिए प्रॉपर कैप्टन आई एम नॉट अगेंस्ट आई फील के अजहर अली अंडर सर्कमस्टेंसेस यस माय फर्स्ट चॉइस इज सरफराज एवरेज वनडे के अंदर 42 है द ओनली रीजन हम उसको हम एंटरटेन नहीं करते कि उसके स्ट्राइक रेट 65 जिस टीम के अंदर यूनुस खान फवाद आलम और मिसबा हों उसके अंदर आप एक ऐसे बंदे को नहीं ला सकते जो 100 बॉलर खेल जाए और 60 रन बनाए डॉक्टर साहब आई विल गो बैक टू द सेम थ्योरी आई हैव आई रादर हैव अ बैट्समैन विद 65 स्ट्राइक रेट एंड 42 की बैटिंग एवरेज वर्सेस 100 का स्ट्राइक रेट 18 रन की बैटिंग एवरेज एनी डे तो लेकिन आप 1980 से रेट खेल लेना आप 2000 की नहीं खेल लेना एटलीस्ट हम आई मीन कुछ रन तो बोर्ड पे डालेंगे अब बी एज इट में मैं क्या तो 120 का स्ट्राइक रेट वाले को रन नहीं बनाता तो अब आप पैदा करें ना ऐसे प्लेयर्स मेरे पास अस्सलाम वालेकुम कॉलर प्लीज अपना नाम बताइए टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दें और आप कहां से कॉल कर आई थिंक यू कॉलिंग फ्रॉम टोरंटो गो अहेड प्लीज अस्सलाम वालेकुम गो अहेड प्लीज हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही ना पहले वालों की तो नहीं आ रही थी नहीं यू आर गुड अच्छा ऐसे है कि मैं थोड़ा सा इसमें जो आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऐसे एग्जांपल दूंगा कि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जिसको फिजिशियन को दिखाना चाहिए उसको आप सर्जन के हवाले कर दें तो आप ये खुद देखो उस पेशेंट का क्या हाल होगा ऐसे ही हमारी क्रिकेट का है आप अपना जरा क्रिकेट बॉल का एनालिसिस करें कितने लोग और कब से वहाँ पे बैठे हुए हैं ये तो आपने काशिफ की याद ताज़ा करा रहे हैं मैं जान तो ये तो काशिफ का फेवरेट डॉक्टर अंसारी का फेवरेट सब्जेक्ट है PCB आई एग्री विद यू सर मसला इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप आप देख लें अजहर अली 15 में शामिल नहीं था कैप्टन बन गया एकदम से ये कोई और दुनिया का बोर्ड ऐसी हरकत नहीं कर सकता सिर्फ PCB करेगा वुड यू एग्री लेकिन वही वाली बात बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का मेरा ऑब्जर्वेशन मैं इसकी रीजन नहीं बताता हूँ इसकी क्या है जो मेरी खबरें जो है ना वो ये है कि अजहर अली की टीम में बड़ी इज्जत है
टेस्ट टीम के अंदर, आपका पिछले 4-5 साल से ही इज़ योर मोस्ट सॉलिड प्लेयर, उसकी जो एवरेज है मिसबा के बाद इज़ द हाइएस्ट इन टेस्ट मैचेस। okay. इनकी ख्वाहिश ये थी कि अहमद शहजाद जो है ना वो मेंटल लेगा, कि वो वनडे का भी होगा, T20 का भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। अहमद शहजाद साहब जो हैं वो इज़ बीइंग अंडर अचीवर, जब वो अंडर अचीविंग शुरू कर दी उसने तो उनके पास कोई और चारा नहीं रहा कि अब अज़हर अली की तरफ जाएं। अज़हर अली इज़ योर नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वनडे के अंदर उसके आप वनडे में अब ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, आपने उसको टेस्टिंग मोड कर दी। अब आपकी पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी कि ये अपना गेम थोड़ा चेंज करे, कि भाई आप वनडे खेल रहे हैं ना, कि अब अपना स्ट्राइक रेट गोज़ फ्रॉम 60s to 75-80 के करीब भी आ जाए। बट टू बी ऑनेस्ट द थिंक टैंक इज कि फ्यूचर लीडर्स आर गोइंग टू बी मिसबा प्रोटोटाइप्स, ठीक है, मिसबा जैसे लोग आएंगे जो उसी जैसे तमीज़दार पढ़े लिखे। और अच्छी बात यह है कि अज़हर अली जो मेरी खबरें हैं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तमीज़ अच्छे घराने का है, तमीज़ से बात करता है, यू नीड दोज काइंड ऑफ पीपल। हम कैप्टन ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, सीरियसली। नफीस साहब कॉल करें, लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी होती है चीज़ें। नफीस साहब कॉल करें टोरंटो से, अस्सलाम वालेकुम, आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ, गो अहेड प्लीज। नफीस साहब अस्सलाम वालेकुम, गो अहेड प्लीज। जी क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअली कि हम अज़हर अली को एक्चुअली उन्होंने किस बेस पे कैप्टन बना दिया, इनको टीम जो है डिफरेंट फॉर्मेट की होनी चाहिए, वनडे की अलग, T20 के अलग और जो है 5 डेज की अलग होनी चाहिए। तो वो 1.5 साल से वो वनडे नहीं खेला, वर्ल्ड कप में उसको लेके नहीं गए, तो मतलब कोई लॉजिक समझ नहीं आया कि क्या मतलब है कि कौन डिसीजन दे रहा है और कौन ऐसे बेवकूफ लोग बैठे हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कैप्टन बनाना है, ऐसी टीम बनानी है। नफीस साहब पीसीबी की लॉजिक को बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का, गुड ऑब्जर्वेशन। मैं वही कह रहा था कि पीसीबी की लॉजिक को फिगर आउट करने के लिए अब मतलब देखिए मेरा समझा है ना कि आप प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, देखो दो चीजें हैं दुनिया की। आप नफीस साहब का क्वेश्चन ये है कि बेसिकली बिल्कुल समझा, अच्छा आप इनसे कहां तक एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की 3 different teams होनी चाहिए, 3 different captains होने चाहिए वनडे? मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये बुरा हाल है कि हमें एक कैप्टन नहीं मिलता, हमें देखो एक लीडर हमारे पास नहीं है, 3 कहां से लाएं? 3 different teams होनी चाहिए लेकिन 3 different captains नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2। अभी ये है कि मेरे ख्याल में ये होगा कि अगले 1 साल के अंदर अज़हर अली इज़ गोइंग टू बी योर टेस्ट कैप्टन और सरफराज इज़ गोइंग टू बी योर T20 एंड वनडे कैप्टन। अगर अज़हर अली अच्छा कर रहा है कैप्टन, टेस्ट की भी कर रहा है, वनडे बीच में खेलेगा, अभी हम बांग्लादेश जा रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर, तो ज़रूरी है कि उसको ना बनाए, क्यों ना बनाए उसको वनडे भी बनाए? मेरी प्रेडिक्शन ये है, मेरी दुआ ये है कि अज़हर अली आए, एक 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 वोटिंग बैंक तो है ना उसका कि भाई ही इज़ योर बेस्ट बैट्समैन टेस्ट मैचेस के अंदर, अगर मिसबा का हटाओ ही इज़ योर बेस्ट बैट्समैन। यूनुस खान को अगर वो अगर करंट जो उसका फॉर्म था अगर हटाते हो पिछले 5 साल के अंदर ही इज़ बीन योर बेस्ट बैट्समैन। अगर अज़हर अली कामयाब होता है तो यंग है आपके 6-7 साल के लिए कहानी आपकी मुक गई, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो सरफराज को थोड़ा प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। आई एग्री कि उसको एक साल के थोड़ा सा हाथ ठीक कर ले, बंदे को ये रहो कि ऐसा कैप्टन लेके आए उसको बेचारा प्रेशर में आके। आई एग्री, टोटली एग्री विद हिम, ये यूनुस खान की कहानी खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा हो कि अज़हर बहुत अच्छा खेले और सरफराज कैप्टन ही ना बने और अच्छा बैटिंग करते रहे, अच्छी कीपिंग करते रहे, बिकॉज कैप्टनशिप के साथ इट अफेक्ट्स योर बैटिंग बहुत। तेंडुलकर जैसा बैट्समैन जो है वो कैप्टन जैसे बन सकता है, हो सकता है सरफराज बिकम्स अ धोनी, हु नोस, लेकिन कहानी ये मेरे ख्याल में ये है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया, क्लीन स्लेट, ब्रांड न्यू चैप्टर, नया कैप्टन अज़हर अली, लेट्स गो। मगर ये दुनिया की तारीख में शायद ही कहीं और हुआ हो कि जो बंदा 15 की टीम में नहीं शामिल। देखो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया कि 15 में नहीं था, बाहर से लेके आ गए मैच के टूर्नामेंट के बाद, नहीं लेकिन आई एम रेफरिंग बैक टू के द फैक्ट जो इन्होंने कहा कि एक बंदा 15 प्लेयरों में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के देखो जॉर्ज बेली, कहीं की कहानी नहीं थी उसकी, वो आया एज अ कैप्टन आया, मैं अगर टीम में था सर, कोई टीम में नहीं था। ओके वी नीड टू टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक, अगर आपकी इजाजत हो तो टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक, एंड आई थिंक वी हैव अ कॉलर फ्रॉम वर्जीनिया, प्लीज स्टे ऑन होल्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस मैसेजेस, प्लीज स्टे विद अस, थैंक यू।